दिल्ली और एनसीआर में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक आज दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। ट्रैफिक पर असर पड़ने की आशंका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल रात दिल्ली और एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हुई और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज भी पूरा दिन बारिश हो सकती है और अनुमान ऐसा है कि दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और इसका असर ट्रैफिक पर पड़ सकता है। हमारी संवाददाता रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूफी, इस समय क्या हाल है? बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर जो पड़ेगा सीधा सीधा ट्रैफिक पर पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दिल्ली में जिस तरह से बारिश होती है और उसके बाद वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हो जाती है, उसका बड़ा असर ट्रैफिक पर देखने को मिलता है। इस वक्त मैं प्रगति मैदान पर मौजूद हूं और आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो वाटर लॉगिंग है वो शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में कई जगह पर जो पंप्स हैं पानी को निकालने के लिए वो भी लगा दिए गए हैं, लेकिन ये प्रगति मैदान की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग है वो शुरू हो चुकी है। कल रात से ही जो बारिश है वो लगातार रुक रुक कर हो रही है और अभी भी हल्की बारिश दिल्ली में हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में इसी तरह से मौसम बना रहेगा और बारिश होती रहेगी। आप देखिए कि जो लोग आज दफ्तर के लिए निकलेंगे उनको ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से कई जो गाड़ियां हैं वो भी खराब हो जाती हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक जाम नजर आता है और अलग अलग जो सड़कें होती हैं दिल्ली की उसका इस तरह का हाल नजर आता है। हालांकि जो मिंटो ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया है। रूफी, ये तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में आज भी रुक रुक कर बारिश हो सकती है और तेज बारिश भी हो सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.